नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं अपने स्ट्रगल की वो कहानी आपको बताने जा रही हूँ जो मेरे जीवन काल में मेरी पढ़ाई के बाद ही शुरू हो जाती है। मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने से पहले की कहानी और मेरे समाज सेविका बनने से पहले की कहानी। दोस्तों जैसे ही मैंने 12th क्रॉस किया तो मेरा एक स्कूल में चयन हो गया था। अच्छी खासी मेरिट थी, अच्छे नंबर उसमें पास हुई, तो यूपी का एक स्कूल मुझे मिला था RSS का, जिसमें मेरा चयन हुआ, जिसमें महिला आचार्य सिर्फ मेरा ही चयन हुआ था, बाकी सारे जेंट्स हुए थे। दोस्तों जैसे ही मैंने उस बैकग्राउंड में पैर रखा तो मुझे सबसे पहले जो समस्याओं का सामना करना पड़ा वो मेरा सबसे बड़ी पहली जो समस्या थी वो मेरा महिला होना, क्योंकि उस क्षेत्र में मैंने देखा महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, घूंघट में रहती थी, और बेटियों के लिए जो घर भी बने होते थे तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें, और उनके लिए मतलब उसमें कच्चे टॉयलेट होते थे, चूल्हा टाइप का बनाया जाता था, उसी में वो जाते थे, जो सुपर सफाई कर्मी होते थे वहीं से वो सफाई करके ले जाते थे, मतलब महिलाओं के लिए टॉयलेट तक नहीं था उस समय। आज से लगभग 22-23 साल पहले की बात है, तो मात्र मैंने उस समय 12th क्रॉस किया था तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। पहले बहुत इजी था, अगर मेरिट है तो अच्छे उससे हो जाता था सिलेक्शन, तो मेरा उस समय RSS में सिलेक्शन हो चुका था। और मुझे बड़ा जब मैंने देखा तो, क्योंकि थी तो मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से, उत्तराखंड से, लेकिन जब मैं यूपी में गई तो वहाँ की समस्याएं देख के मेरा खोपड़ा चकरा गया, क्योंकि मैं एक महिला थी। जैसे मैं घर से बाहर जाती थी या स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, और क्योंकि वो जो विद्यालय था वहाँ से गांव में संपर्क के लिए जाना पड़ता था, फीस भी पे नहीं करते थे बच्चे, और उस समय लड़कियों को स्कूल ही नहीं भेजा जाता था वहाँ के इलाकों में, महिलाएं घूंघट में रहती थी। लेकिन जब पहले मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं कैसे इतना बड़ा सफर तय करूँगी, कैसे मैं उन चीज़ों को फेस करूँगी, लेकिन वो मेरे शायद शुरुआत थी, तो मैंने उन चीज़ से हार नहीं मानी। मैंने उस चीज़ को एक लक्ष्य बना लिया कि शायद यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ नहीं है, जो लोगों के लाइफ में चेंजेस नहीं है, लोग एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, महिलाएं एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो एक इंसान के लिए सही नहीं है, तो मैंने उसी चीज़ को अपना लक्ष्य बनाया। सबसे पहले टारगेट था मेरा घर घर जाके लोगों को मोटिवेट, लेकिन मुझे उसमें इतनी दिक्कत आई जो कि मैं कह नहीं सकती हूँ। जैसे मैंने गाँव जाके औरतों को समझाना शुरू करा कि अपनी बेटियों को आप स्कूल पढ़ो, ऐसे पढ़ी लिखी होंगी कल के दिन आपकी तरह कोई चीज़ नहीं सहन करेंगी, गलत चीज़ें नहीं सहन करेंगी, काफ़ी महिलाओं को अच्छा लगा। उन्होंने जब अपने बेटियों को स्कूल भेजने की बात करी तो उनके घर के जो पुरुष थे उसके अपोज में खड़े हो गए, उन पुरुषों ने मतलब अपने घर में कि आप वो एक मतलब मैडम आई, मैडम हमारी महिलाओं को भड़का रही, इस तरीके की एक सिचुएशन बन गई। दोस्तों सोचिए अगर जब परिवार में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती, उन पति पत्नी में ही आपस में झगड़ा होने लगे कि एक औरत के कहने पे आप अपने घर के विरोध में जा रहे हो, तो फिर मेरा लक्ष्य था कि मुझे हार नहीं माननी है, जब मैं इनकी ज़िंदगियों में घुसी हूँ तो मुझे इनको पार लगाना है। तो मैंने दोस्तों फिर उसके बाद जो था मैंने उन महिलाओं को छोड़ा, महिलाओं को उनके ही कंडीशन में रहने दिया। उसके बाद मैंने उस घर के पुरुषों से संपर्क किया कि मुझे उन पुरुषों को मैंने अपने तरीके से समझाया, उन अपने नज़रिए से समझाया कि देखिए बेटियां भी आपकी हैं, और अगर आपकी बेटियां हैं तो आप अपनी बेटी के लिए कुछ कर रहे हैं। जैसे मैंने मतलब जो भी मुझसे, मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट भी रह चुकी, टीचर भी, मैंने उसी चीज़ का यूज़ करके उनके माइंड पर असर करा, और उन पुरुषों को जो था मतलब एक अट्रैक्शन वो चीज़ मिली, एक मोटिवेशन मिला उन्हें कि मैम शायद कहीं सही करी। फिर एक दो लोगों ने अपनी बेटियों को भेजना शुरू करा, फिर उनके देखा देखी दूसरे लोगों ने भेजना शुरू करा, मतलब मेरे लिए एक जंग थी और जंग की शुरुआत थी जिसमें मुझे लगा कि मैं जीत रही हूँ, तो मैंने अपने जीवन का उसे लक्ष्य बना लिया। यहीं से शुरू होता है मेरा समाज सेवा का सफ़र, जो मुझे लगा कि जब मैं एक गाँव के लोगों के विचारधारा को बदल सकती हूँ तो मेरी सोच यहाँ पे नहीं। तब मैंने अपना जॉब करने का नहीं, इस फील्ड में आके इस समाज को सुधारने का एक लक्ष्य बनाया कि मुझे सेल्फ के लिए नहीं करना है, मुझे सेल्फ की एक ऐसी पोजीशन बनानी है कि इन लोगों को मेरी ज़रूरत है और मैं इनके लिए कुछ कर सकती हूँ। तभी मैंने अपने जीवन का ये लक्ष्य बना लिया।
तभी से मैंने हाई फाई लोगों से नहीं, उन मतलब दबे कुचले लोगों से शुरुआत की, जो जिंदगी जीने के हकदार भी नहीं माने जाते, उन लोगों को आगे उठाने का मैंने एक लक्ष्य बनाया। दोस्तों उस गांव के लोग, उस घर की बेटियां आज डिग्री कॉलेजों में टीचर प्रोफेसर हैं और अच्छे अच्छे घरों में पढ़ा रही हैं, जिन्हें मैंने घर जा कर भी पढ़ाया और अपने घर बुला कर भी पढ़ाया। उस समय मैं अपनी बहन के घर रहती थी, क्योंकि मैं उत्तराखंड में थी, मेरा सिलेक्शन हुआ था यूपी में। मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि इस समाज को बदलने में मेरा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। उसी दिन से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत शुरू कर ली थी कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। लेकिन 17 सालों से मैं, जैसी मेरी शादी हुई तो मैं उस चीज़ से, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां पड़ गई थी, 17 सालों से मैं समाज सेवा की फील्ड से बाहर चली गई थी। उसी बीच मैंने अपना पढ़ाई भी कंप्लीट करी, अपना 2007 में मैंने बीएड भी कंप्लीट किया फर्स्ट डिवीज़न से। उसके बाद 2019 में मैंने अपना टेट क्वालिफाइड किया। इतनी सारी डिग्रियां होने के बाद भी बच्चों ने बोला आपके पास डिग्रियां हैं, जब आप कुछ कर ही नहीं रही हो तो आपकी डिग्रियां किस काम की हैं। तो मुझे 17 साल के बाद मेरे बच्चों ने जगाया कि आप सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप नहीं जा सकती हो कहीं तो आप इसके माध्यम से भी लोगों तक पहुँच सकती हो। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने फील्ड, अपने समाज के लिए ये चीज़ें दोबारा करूँगी। आज मैं फिर से इसी फील्ड में आई हूँ और मैं चाहती हूँ जहाँ जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ज़रूरत में उन तक पहुँचाऊँ, अपने एजुकेशन का इस्तेमाल करके अपनी जो मैं एक साइकोलॉजी की हो रही हूँ तो उनके माइंड को चेंज करके मैं अपने लाइफ में एक सुकून पाती हूँ। तो लोगों से, लोगों के बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं उन्हें एक मोटिवेशन दूँ। हर इंसान के अंदर क्वालिटी होती है, ज़रूरत होती है उस क्वालिटी को जगाने का। मैं उस चीज़ के लिए आगे हूँ, हमेशा मैं आगे रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिल रहा है। ऑलरेडी मेरे चैनल डिलीट हो चुके जिसमें मैं काफ़ी वीडियोज अपलोड कर चुकी थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, बट वो वीडियो जब जा चुके हैं तो मुझे दोबारा वही चीज़ें रिपीट करनी। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद, मेरे चैनल को प्यार से सहयोग दें। बाकी आगे को आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें और इस समाज के आगे लाने के लिए एक कदम बढ़ाएं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।